हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे प्रश्न क्या होता है, उसको कैसे देखते हैं यानी कि उसको पहचानते करते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हैं उसको पहचानते करते हैं, साइन कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सॉल्व करने की हम लोग प्रक्रिया देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारा पहला पॉइंट है कि जो एडिशन का आता है, एडिशन अगर दोनों तरफ एडिशन कर दिया जाए तो कैसे, मतलब इसके वैल्यू में चेंज होता है कि नहीं होता है। ठीक, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आता है, ठीक, डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, तो इस चारों के बारे में आज वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे तभी आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। तो फ्रेंड्स, हम क्या देख रहे हैं, एक समान कॉन्स्टेंट को जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, दोनों तरफ जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि एक समान कॉन्स्टेंट को दोनों तरफ जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो क्या देख सकते हैं, दोनों तरफ यानी कि दो इक्वेशन दिया गया है, मान लीजिए लीनियर इक्वेशन दो इक्वेशन दिया गया है, वन वेरिएबल वाला, यानी कि वन वेरिएबल के लिए दो लीनियर इक्वेशन क्या मान लेते हैं, थ्री, एक इक्वेशन है 3x माइनस का सेवन, दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस का 2, इतना दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं कि अगर देखते हैं कि दोनों तरफ जोड़ने से कोई परिवर्तन न हो, ठीक, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लें। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं 7 है, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का 2 है, तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप माइनस का 3 ऐड कर दीजिए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस का 5 भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि 5 ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ 5 ऐड कर दीजिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे माइनस का 7 प्लस का 5 दोनों तरफ हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, आप लोग देखिएगा 4x माइनस का 2 प्लस का 5, अगर आप लोग देखिए 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 को इधर हम पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू 0 आ जाएगा, तो जो वैल्यू 0 आ जाएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान में तभी परिवर्तन होता है जब वैल्यू 0 नहीं आता है, यहाँ पे अगर हम पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि दोनों 5 ऐड कर दिए, यानी कि 5 को अगर इधर लेके आए, चाहे इस 5 को इस तरफ पक्षांतर करें तो हम जानते हैं प्लस का माइनस हो जाता है, अभी बताए थे कि इसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसका साइन इधर प्लस है, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, तो ये हम लोगों का सही है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 5, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस का 3, यानी कि प्लस का 3 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 4x को इधर पक्षांतर करेंगे या 3x को इधर पक्षांतर कर दीजिए, जैसे आप लोगों को सूटेबल लगे, तो हम क्या कर रहे हैं 4x को इधर पक्षांतर करेंगे, यानी कि 3x माइनस का 4x, ठीक, इक्वल्स टू प्लस का 3x माइनस का प्लस का 2, यानी कि ये 5 हो जाएगा, ये का माइनस का x हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस का 5 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, आप लोग ऐसे भी कर सकते थे कि कोई जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन कहीं कहीं जोड़ने के लिए जरूरत पड़ता है, इसलिए बता दिए कि एडिशन अगर दोनों तरफ इक्वल कर दिया जाए, यानी कि 5-5 के यहाँ पे एडिशन दोनों तरफ कर दिए तो क्या आ गया, सेम वही प्राप्त होगा, इससे मान में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए एडिशन का बता दिए। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का होता है। ठीक, आप लोगों को एक सब्ट्रैक्शन का दिखा दे रहे हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है अगर किसी समीकरण में दोनों तरफ कॉन्स्टेंट है, वो को घटा दिया जाए तो नो चेंज, यानी कि किसी भी अगर कोई इक्वेशन दिया गया, ठीक है, दो इक्वेशन या कितना हुई इक्वेशन दिया है, दो या दो से अधिक दिया गया है, अगर दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर
राइट हैंड साइड है जो लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, सेम डिजिट को घटा दिया जा रहा है, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, 7x माइनस का 6 = 6x माइनस का 7, ठीक, ऐसे है इक्वेशन। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इधर या तो क्या करें, प्लस प्लस का 6x अगर सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, प्लस का 6x जोड़ सकते हैं, इधर इधर भी दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, तो एडिशन के लिए हो जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोई मतलब घटा करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, 7x माइनस का 6 माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1 दोनों तरफ घटा दे रहे हैं, यानी कि 1 घटा दे रहे हैं, तो 6x माइनस का 7 माइनस का 1, ठीक, दोनों तरफ 1 हम लोग सबटेक्स कर दिए। सबटेक्शन करने के बाद क्या आ जाएगा, 7x माइनस का 1 हो जाएगा 6 = 6x माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। या तो ऐड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, -7 - 1 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का जब 1 दोनों तरफ 1 सबट्रैक्शन किए हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि माइनस का 1 है इधर, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 प्लस का 1, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू जो हम लोग का इक्वेशन दिया था उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं -7 है -7 है, यानी कि कट सकता है, ठीक। तो 7x ये 6 है तो इधर कर देंगे, पूछांत कर देंगे तो -6x = -1 इतना आएगा, ये क्या हो जाएगा, x = -1, यानी कि आंसर हम लोग का इतना आ जाएगा, x = -1। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी कोई इक्वेशन दो दिया हुआ है तो उसमें सब कोई भी जो सेम वैल्यू हम लेंगे तो उसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। अब दो और आता है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सेम वैसे रहता है, यानी कि उसमें हम आप लोगों को लिखवाने रहे हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल में यानी कि तीसरा पॉइंट आएगा मल्टीप्लीकेशन का, अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दोनों तरफ सेम डिजिट से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, 2x + 3 = 7x + 4, अगर इक्वेशन को हम लोग इक्वल करना है तो क्या करेंगे, इक्वल करना है तो क्या करेंगे, इधर या तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, इधर क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इक्वल नहीं करना है, यहाँ पे ये करेंगे कि इसके वैल्यू में चेंज ना हो, ठीक। तो इसके वैल्यू में चेंज ना करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2x + 3 है, यहाँ पर 7x + 4 है, तो इसके वैल्यू में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे 4 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिए, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 से 4 कट सकता है, ठीक। ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवीजन होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, या तो ऐसे ही आप काट सकते हैं, ठीक। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 8x, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 28x, ये कितना हो जाएगा 16, इतना आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको 75 कर देंगे, या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें या तो 4 ऐड कर दें तो इधर भी 4 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या देखेंगे, इधर 4 ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड कर दें तो इधर भी 4 ऐड कर दें, तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ बेसिकली हम मल्टीप्लाई के नहीं दिखा रहे थे, आप लोगों को एडिशन भी इसमें दिखा दे रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 8x हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा 16 = 28x + 16 + 4, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 8x है इधर आएगा तो यानी कि माइनस का 28x हो जाएगा, यानी कि 8x - 28x = 4, यानी कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20x = 4, इतना आएगा, यानी कि यहाँ पे 4 बचा था तो यहाँ पे 4 हम लिख दिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 - 20 यानी कि 1 - 5, ये आंसर आ गया, ठीक। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, 1 - 5, ठीक, इतना आ गया। अब देखेंगे डिवीजन के लिए भी सेम ऐसे ही होता है, तो डिवीजन भी देख रहे हैं, डिवीजन भी दोनों तरफ अगर सेम डिजिट से कर रहे हैं तो डिवीजन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। इसको देखने के लिए एक एग्जांपल दे दे रहे हैं आपको, चौथा पॉइंट है डिवीजन,
डिवीजन के लिए इसमें आता है कि हाँ डिवीजन अगर दोनों तरफ कर रहे हैं तो डिवीजन अगर कर दें दोनों सेम डिग्री से तो कोई वैल्यू इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख लीजिए 3x+4=7x+5 एक इक्वेशन हम लोग को दिया गया है, ठीक। हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक। हम जानते हैं 2 2 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे क्या देखेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 2 से डिवाइड करके कोई वैल्यू में चेंज नहीं है। अब क्या करेंगे 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, 2 से इधर कर दीजिए 2 से इधर कर दीजिए, ठीक। तो क्या करेंगे ये हो जाएगा 6x+8=14x यानी कि +10। तो ये क्या हो जाएगा इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो 6x-14x =10-8, एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -8x=2 यानी कि x का वैल्यू क्या कितना आ जाएगा 1/-4, ठीक। इतना हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दो हम लोग मतलब डिवाइड करने से कुछ यहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसका एक सफिशियंट एग्जाम्पल अगर देखें तो 2x+4 है, इसमें अगर 2 से डिवाइड करें तो ऊपर देखेंगे 2 कॉमन हो रहा है तो x+2 हो जाएगा और नीचे क्या है 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अगर इस इक्वेशन के साथ रखें तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो इक्वेशन इक्वल आ जाएगा, इससे भी कर सकते हैं यानी कि वैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई रेयर कंडीशन ऐसा आता है कि जिसमें डिवीजन एडिशन करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है और डिवीजन करना पड़ता है, यानी कि चारों कर सकते हैं, ठीक। और चारों ऐसा सेम डिजिट से अगर किया जाए तो कोई चारों जो बताए हैं मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं। अगले वीडियो में अब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो लीनियर इक्वेशन होता है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।